अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तेजी से तैयार हो रहा है। अगले साल 14 जनवरी तक भव्य मंदिर में आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर के तर्ज पर ही अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। उसकी पहली झलक आपके सामने हम आपको दिखाएंगे। आप एबीपी गंगा पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की झलक देखेंगे। जब दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर ही अयोध्या की भव्यता का दर्शन होगा। राम की कहानियों से उनका परिचय होगा और 2025 तक इस एयरपोर्ट को तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहली झलक आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी गंगा की स्क्रीन पर, और देखिए किस तरीके से इस एयरपोर्ट को तैयार किया जाएगा। प्रभु श्री राम मंदिर जैसा ही एयरपोर्ट भी होगा और 2025 तक तैयार हो जाएगा। भगवान राम लला का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा है। भगवान राम लला का मंदिर का निर्माण कार्य प्रथम तल का जो निर्माण कार्य हुआ अक्टूबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा और भगवान राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में जनवरी 2024 में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसके लिए श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है। एयरपोर्ट का प्रथम फेज का जो कार्य है वह सितंबर से अक्टूबर में पूरा कर लिया जाएगा और यहां पर सितंबर या अक्टूबर में विमान भी आना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कि देशों से विदेशों से श्रद्धालु अयोध्या आ सकेंगे, अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन भी कर सकेंगे। और श्री राम एयरपोर्ट की खास बात यह होगी कि यह जो एयरपोर्ट होगा वह राम मंदिर के पत्थरों से ही बनाया जाएगा। यानी कि जो जिस पत्थर से भगवान राम लला का मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, उसी पत्थर से श्री राम एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा और अपने आराध्य के दर्शन अयोध्या, यानी कि श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, तो उनको दर्शन यहीं से होगा, क्योंकि राम मंदिर का जो शिखर है वह 161 फीट ऊंचा होगा और जब एयरपोर्ट पे राम भक्त पहुंचेंगे तो अपने आराध्य का दर्शन भी यहीं श्री राम एयरपोर्ट से ही कर सकेंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं एयरपोर्ट में और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसके लिए विशेष इंतजाम भी एयरपोर्ट पे किए जाएंगे और जिसके लिए सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है और किसी प्रकार की समस्या ना हो, जिसके लिए विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं और जल्द एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जो है वह पूरा कर लिया जाएगा और श्रद्धालुओं को तमाम प्रकार की सुविधाएं भी श्री राम एयरपोर्ट पे मिलेगी। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। आज का था वो अब लगभग सिविल और इलेक्ट्रिकल काम आपका जून में पूरा होगा। जून के बाद लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप निश्चित तौर पर सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जो भी ऑपरेटर्स यहाँ पर आएंगे, चाहे वो स्पाइस जेट हो या अलायंस एयर हो, उन सबका भी बिड वगैरह प्रोसेस में है, तो मेरे ख्याल से उसके आसपास से ये उड़ान सेवा शुरू की जा सकती है। लगभग जून तक कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोगों ने रनवे को करीब 900 मीटर शिफ्ट किया है, रनवे का थ्रेशोल्ड शिफ्ट चेंज हुआ है, टर्मिनल बिल्डिंग में भी कुछ चेंजेस हैं, तो उन सभी चेंजेस के मद्देनज़र अभी फ़िलहाल हम लोग जो है जून तक सिविल और इलेक्ट्रिकल रनवे और बिल्डिंग का काम पूरा कर देंगे। जहाँ पर भी पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। अयोध्या जो मंदिर है उस मंदिर की छवि पर ही हम यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट का लुक दे रहे हैं और इसी कोशिश में कि ये एयरपोर्ट जल्दी से पूरा हो और पत्थर के आने में डिले ना हो। RCS एयरपोर्ट का जो योजना है, RCS एयरपोर्ट के तहत जो फैसिलिटी होती हैं उससे ज़्यादा ही फैसिलिटी हम यहाँ देंगे। टर्मिनल बिल्डिंग में कन्वेयर बेल्ट वगैरह भी होगा, चेक इन काउंटर्स भी होंगे और आम तौर पर एक टैक्सी वे होता है, हम यहाँ पर 2 टैक्सी वे देंगे। नॉर्मली 3 से 4 जहाज़ खड़े करने का स्थान बनाएंगे, तो इसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई हम इसमें कोई कमी छोड़ेंगे। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इसी तर्ज पर जो ये एयरपोर्ट है इसका निर्माण किया जाएगा।
रामलला मंदिर की जो दर्शन करने लोग आएंगे, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो राम, भगवान राम के जो जीवन शैली उनकी रही है उससे प्रेरित वो होंगे, उनके दर्शन को हो सकेंगे इस एयरपोर्ट के जरिए, और 2025 तक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो तैयार हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।